शाबाश बेटा शाबाश। क्या सुर साधा है इस उम्र में? महाराज ये तो आप ही की देन है। कैसे, हम समझे नहीं। मैं तो आप ही का शागिर्द हूँ महाराज। क्या कह रहे हो, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। साल भर से इस कोने में बैठकर चुपके से रोज आपका संगीत सुनता हूँ और फिर जंगल में जाकर आपके सुरों को इस शहना में उतारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मुझे होशी न रहा, यहीं बैठ के बजाने लग गया। अच्छा हुआ बेटा, कहाँ से सीखी तुमने ये शहनाई? ये शहनाई तो हमारे घराने में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। मेरे पिता साजनपुर के मंदिर में शहनाई बजाते थे और मैं उनके पास बैठकर रोज रियाज करता था। लेकिन अब क्या बोलो बेटा। अब मेरे पिताजी नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत दिन मारा मारा फिरा और फिर तुम यहाँ आकर टिक गए। घबराओ नहीं बेटा, अब तुम ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? किशन। किशन, कितना सुंदर नाम है बेटा। किशन, अब तुम हमारे साथ रहोगे। चलो। ये मिलोगे ना किशन? मिलूंगा गोपी। आओ बेटा चलो। किशन, किशन। क्या बात है गोपी? बात क्या है, अगर वो कुंवारी रह गई तो? अरे भाई कौन कुंवारी रह गई? मेरी गुड़िया, उसकी शादी होने वाली है ना। किशन कहता था वो मेरी गुड़िया की शादी में शहनाई बजाएगा, लेकिन अब तो ये बड़ा आदमी हो गया है, अब कहाँ मिलेगा ये? क्यों नहीं मिलेगा? अरे किशन देख, गोपी की गुड़िया की शादी में शहनाई जरूर बजाना। हाँ भगवान करे तुम्हारी गुड़िया दूधो नहाए ऊतो फले। बस आओ बेटा। रामकली, आज बहुत देर हो गई बाबा। मेहमान आए हैं ना। अरे जग्गू, मेहमान के लिए कमरा ठीक करो। कौन है बाबा? अरे बेटा यही तो मेहमान है। आओ बेटा बैठो। अरे वहां नहीं, यहां आओ बेटा। अरे तुम तो कलाकार हो, उम्र में छोटे कला में बड़े। अच्छा बेटा, मंदिर में कौन सा राग बजा रहे थे? ये तो मुझे नहीं, सुर जानता हूँ, शास्त्र नहीं। सुर भगवान की देन है, शास्त्र इंसान की खोज। शास्त्र मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रामी। क्या बाबा? अरे क्या कर रही है? गुड्डे को सजा रही हूँ, इसकी शादी है ना गोपी की गुड़िया के साथ। अरे इसकी शहनाई सुनी तूने? क्या जादू है, बजाओ बेटा। शाबाश बजाओ तू।
क्या नाम है तेरे लड़के का रामी? तू अपने लड़के का नाम तो बोल पहले। लो शादी रचाने चले हैं, दूल्हा दुल्हन का नाम भी मालूम नहीं। अरे दूल्हे का नाम है किशन और दुल्हन का नाम है गोपी। चलो चलो पंडित जी जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। अरे गठबंधन जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। चलो चलो पंडित जी, क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? देखो देखो वो क्या हुआ? क्या हो रहा है? सत्यनर जल्दी चलो वरना तबीयत साफ हो जाएगी। अरे तुम दोनों अभी तक हाथ में हाथ धरे खड़े हो, क्या जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे हाथ? हाँ। वाह किशन, तूने बहुत अच्छी शहनाई बजाई, अब गोपी की शादी में भी ऐसे शहनाई बजाना। वाह, गोपी की शादी में मैं कैसे शहनाई बजाऊंगा? उस वक्त तो मैं सिर्फ सेला होगा, मैं दूल्हा बना हूंगा और गोपी मेरी। चल हट। क्या कहता है रे कलमुआ, गोपी की शादी में तेरे सर पर चेहरा होगा? अरे गोपी की शादी में तुझे सहनाई बजाना नसीब है, वही गनीमत समझ। भाग यहां से, भाग। ऐसा क्या तमाशा मचा रखा है? भाग रहे सब लोग। किसके साथ खेलना, किसके साथ में तुझे अभी नहीं मालूम? चले आ जाओ। क्यों तबीयत साफ हो गई ना? ये मुंह और मसूर की दाल, गोपी के ब्याह में तो सेरा इस स्तर पे होगा, समझे? गोपी की शादी में तेरे सर पर सेहरा होगा? अरे गोपी की शादी में तो शहनाई बजाए वही गनीमत है। भागे से। लेटे क्यों बेटा किशन, उठो, रियाज का वक्त है। बैठो।
सने जाने दबदन दमा गगर सने जाने दबदन दमा गगर dada bama gama dani damagare dani daga mag magare dani damagare dani dare dani bama gama dani dare dare dani dani bama magare dani 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 dabadani bama बड़े शहनाई नवाज बन गए। ये तो सब गुरुजी का आशीर्वाद है राम, वरना मैं कहां और शहनाई के सुर कहां। ये तो किसी के दिल से पूछ कर देखो कि तुम्हारी शहनाई में क्या जादू है। किसके दिल से? गोपी कह रही थी कि तुम्हारे जैसी शहनाई दुनिया में कोई नहीं बजा सकता। वो तो तुम भी कहती हो रामी। मेरे कहने से क्या होता? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए शरबत लाना ही भूल गई, अभी ले आती हूँ।
याद है तुम्हें, तुमने अपनी गुड़िया की शादी पे भी ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ा था और तब रामकली ने मजाक से कहा था, क्या जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी ये हाथ? पूरा याद है, जिंदगी भर न छोड़ने के लिए ही तो मैंने हाथ पकड़ा था तुम्हारा। और तुम भी तो याद करो, तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था अपनी गोपी की शादी पर मैं शहनाई नहीं बजाऊंगा, उस वक्त तो मेरे सर पर सेहरा होगा, मैं दूल्हा बना हूंगा और गोपी मेरी। हट्टू। गोपी केशव। हम्म? कौन जाने मेरी शादी की शहनाई बजेगी भी या? ऐसा ना कहो गोपी, तुम्हारी शादी पे शहनाई जरूर बजेगी, सिर्फ बजाने वाला कोई और होगा। केशव। हाँ? हर घड़ी हर पल तुम्हारी शहनाई मेरे दिल के आंगन में गूंजती रहती है, इसके सुरों ने मेरी सुध-बुध भुला दी। और मुझे भी कहां सुध-बुध है कि मैं क्या बजाता हूं। गोपी, जब तुम सामने आती हो या अपने आप गूंज उठती है। और इसके सुर मुझे प्यार की डोरी में बांध देते हैं। गोपी। अबे अब किशन, अबे अब किशन, आ गया कमबख्त कन्हैया। तबीयत साफ हो गई है। क्या है? अरे होना क्या है, खतर क्या है? क्या है? मेरा खत। ला खत। अबे खत नहीं, खबर है। कैसी खबर? तेरी मौत की खबर है कन्हैया। अबे कन्हैया कन्हैया क्या करता है? खबरदार, जो हमारी गोपी से फिर कभी ऐसे मिला तो उसकी सगाई हमसे होने वाली है, समझे? और तेरा काम तो होगा उधर ही अपनी पीपनी बजाना हमारी छाती पर। ये बात है? अबे बात बात क्या करता है, अपने औकात देके बात क्या कर, वरना तबीयत साफ कर दूंगा। अबे तेरी तबीयत। अरे हम सरकारी अफसर हैं, इसलिए हाथ नहीं उठा सकते, वरना तेरी तबीयत अभी साफ किए देते। अबे सरकारी अफसर को छेड़ता है? सरकारी अफसर को छेड़ता है? दो दो पैसे का खत बांटेंगे सरकारी अफसर? कान गली गशाम। रामकली। रामी। आई बाबा। क्या है बाबा? बेटी कहाँ थे तुम? किशन आया या नहीं? वो तो बाबा कब का आ गया और खा पी कर सो भी गया। अच्छा, इतना वक्त हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। आपको कैसे पता चलता, आप तो संगीत में खोए हुए थे। हाँ बेटी, संगीत चीज ही ऐसी है जो उसमें खो नहीं जाता, वो उसे पा भी नहीं सकता। अच्छा बेटी, अब तुम सो जा, जा। क्या बैठे हो चोर से सासू के? आओ खाना खाना। तुमने खाया? मैं क्या अब तक भूखी बैठी हूँ तुम्हारे लिए? आज जरा
देर हो गई। मैंने कब पूछा था? ओ, अब तक हाथ पांव भी नहीं धोए, वो भी मुझे ही धुलाना पड़ेगा। ला, मैं धुला दूं। ये क्या, मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों करती हो रानी? ये तो सेवा हुई। तो क्या हुआ, मैं तो चाहती हूं कि मैं जो कुछ भी करूं तुम्हारी सेवा हो। आओ खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारे लिए शलगम का साग भी बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुमने तो मुझ भिखारी की जबान ही बिगाड़ दी। आगे खूब होशियार रहना मुझसे, खाओ ना। तुम तो कहती थी मैं खा चुकी। ऐसा कभी हो सकता है? पहले अपनी देवताओं को भोग लगाते हैं या पहले खुद खा लेते हैं? तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता था? अपने हाँ की तो सभी बातें भूल गया रहूंगी, लेकिन तुम मुझे देवता क्यों बना रही? मैं जो कुछ था या हूं वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तो भूल ही नहीं सकता, हमेशा याद रखता हूं। रामी, अगर तुम्हारा सहारा ना पाता तो शायद कुत्तों से अच्छा ना होता। ऐसा ना कहो किशन, सब बड़े आदमी पहले छोटे ही होते हैं। आज कुछ भेद समझ में नहीं आता रानी, कभी मुझे देवता कहती हो कभी बड़ा आदमी, आखिर मुझ में कौन सी ऐसी बात है जिसे मैं खुद नहीं जानता? देखो किशन, जंगल में एक हिरन होता है जो ये नहीं जानता कि मैं जिस खुशबू की तलाश में बेचैन फिरता हूँ वो मुश्क मुझ में ही मौजूद है। देखो रानी, अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करती रहोगी तो फिर मैं इस फिक्र में पड़ जाऊंगा कि तुम्हें कैसे रोकूंगा। किशन, भला बदले को पानी बरसाने से कौन रोक सकता है? खैर, जाने दो इन बातों को और चलो खाना खा लो। चलो चली बिंगला के घर रेडियो सुनने। अभी आई मां, अभी आई। जल्दी आना। किशन कहाँ चले बेटा? जंगल में रियाज करने। जी गुरुजी। देखो आज मंदिर में रियाज करो, रियाज का रियाज बजाएगा और सेवा की सेवा। सेवा कैसे गुरुजी? अंदर चबूतरे के फर्श की कुटाई का काम हो रहा है, तुम शहनाई बजाओगे तो मजदूर झूम झूम कर काम करेंगे और काम भी जल्दी हो जाए। है? जो आ गया जा। Holy, holy, boom, bat, pat, holy, bat.
जहर कहे गोले नैन बाबे दर्दी भोले 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 जहर कहे गोले नैन बाबे दर्दी भोले भोले। देखो जी देखो जी दिल की चोरी करके गोदी ये चोरी मीठी मीठी बोले 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 होले होले घूंघट पट खोले बलमुआ बेदर्दी होले होले। रूप कैसा दिया है तुझे राम ने चांद शर्माए गोरी तेरे सामने जहर काहे गोले नयन बाबे दर्दी भोले भोले। ओ साजनिया 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 के रख दोगी कले जान चाल के तक बिना दिन तक बिना दिन तक बिना दिन। ओ जनन जनन झंझर झमके बिजली चमके थम थम के बढ़ के दिल में शोले भोले 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 भोले। We'll be right back.
गोपी, अरे बाहर आना। किशन, किशन अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरे कपड़े चोरी हो गए किशन। हाजी तो क्या हुआ, गोपियों के कपड़े तो हमेशा ही चुराए जाते हैं। हटो जाओ, तुम्हें तो मजाक सोचते हैं, मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं एक बात बोलूं? बोलो। तू मेरे कपड़े पहन ले। और तुम? मैं तुम्हारे पहन लूंगा। अरे तू ना रहे, मैं ना रहूं, बाकी रही घर जाने की बात, तो गोपी ऐसा करना, रात को जब अंधेरा हो जाए क्योंकि चले जाना, अब मेरे साथ। कहां? जहां दीवाना दिल ले जाए, प्यार करने वाले जगह नहीं पूछा करते। क्या कहा? अजी मैं तो तुम्हारे फायदे की कह रहा हूँ, अब जाओगी तो मार पड़ेगी, रात के अंधेरे में जाओगी तो कोई देखेगा भी नहीं। चलो, बिल्ली के भागो छी का टूटा। मुझे बिल्ली कह रही है? देखा, पकड़ लिया ना। आज तो तुमने कमाल कर दिया गोपी। और तुमने भी तो खूब शहनाई बजाई। तुम्हारी शहनाई सुनते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। मुझे कुछ भी सुन नहीं रहती कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन गोपी आजकल लोगों की आंखें हमें बहुत घूर घूर के देख रही हैं। आग लगे जलने वालों की आंखों में मैं क्या किसी से डरती हूँ? हम बरसों से मिलते आए हैं और अब भी मिलते रहेंगे। वो बचपन के दिन थे पगली, अब तो दुनिया ही बदल गई है। अपनी दुनिया तो नहीं बदली, वही किशन, वही गोपी। हंसी का क्या मतलब? यही कि तुम में अब भी बचपन मौजूद है। मैं जो कहती हूँ करके दिखाऊंगी, न दिखाऊं तब कहना। जयराम जी की बाबू, जोड़ी सलामत रहे। बड़े भगवान हो बाबू, लुगाई क्या है, चांद का टुकड़ा। कौन लोग भाई? अजी खाना बदोश है, यूं ही खाते कमाते फिरते। ये कौन है तुम्हारी, बहू है क्या? बहू क्या रानी, मेरी तो सब कुछ यही है। देखा किसे? काम क्या करते हो भैया? अजी फूल पत्ते, नाम धाम, देवी देवता, कोई जो कुछ चाहे सो। बात तो पूरी ही नहीं की तुमने, फूल पत्ते, नाम धाम, देवी देवता, क्या? इसका बोल कभी नहीं काटता, हम आदमी के तन बदन पे गोदते हैं रानी। हो जाता है गुजार लायक रोजगार। अरे अब कहां मेरे राजा, अब तो दुनिया ही बदल गई। अच्छा तुम्हारी दुनिया भी बदल गई? कैसे? ऐसे कि पहले हर औरत अपने बदन पर अपने प्यारे का नाम गुदवा लेती थी, क्योंकि भरोसा था वो यहाँ भी साथ रहेगा और वहाँ भी साथ चलेगा। सच कहता है मेरा चंदा, अब तो दुनिया ही बदल गई। कुछ नहीं बदली दुनिया, लव हम गुदवाते हैं अपने किशन का नाम। खुश रहो रानी, तुम्हारा सुहाग बना रहे। चल चल इमली, निकाल झपट के कील काट। तुम्हारे दम बन रहे, तुम्हारे बालम झुक झुक किए, ऐसी बारीकी से गोदूंगी जैसे किसी ने गुदगुदी कर दी। ऐसा मत करो गोपी, तुम्हारे बोल बाले बने रहे। यहाँ भी तो देखो बिलवा ही बिलवा गुदा पड़ा है। बस इसी तरह हम भी किशन किशन गुदवाए लेते हैं। हाय क्या फूल सा तन पाया है, फेरे का फिरोगी रानी। फेरे वेरे सब फिर चुके हम। अगर ये बात होती तो अपने मुंह से राजा का नाम ना लेती, इतना तो हम भी समझते हैं। अच्छा राम तुम्हारी मुराद पूरी करे। रहने दो गोपी, कहा मान जाओ। हटो जी, नाम तुम्हारा है, तन तो हमारा है। तो ठीक है, जो जी में आए सो करो। अरे सुनो तो राजा, अरे थके हो तो दे ही दबा दूं सरकार। रहने दो। यहाँ नहीं, यहाँ। काहे बिगड़ते हो राजा, ये तो प्यार की निशानी है, जान मिट जाए पर निशान नहीं मिटता। यहाँ क्यों रानी? यहाँ होगा तो सब देखेंगे, और यहाँ होगा तो सिर्फ हम ही देखेंगे। आओ!
करो नहीं, पहली चुबन में ऐसा होता है, बाद में कुछ नहीं। देख के नहीं चलते? अजी देख तो तुम भी रहे थे। सारे दिन की कमाई खो दी। अजी क्या चीज थी? ठंडी थी पर अब तो कुछ भी नहीं। अरे हाँ, लालटन है तेरी बाइसिकल में? सबके जाऊं लालटन जला दो ना बापू। अजी सबके जाओगी तो क्यों नहीं जलाऊंगा, अभी जलाता हूं। तुम जरा उधर भी तो ढूंढो ना, इधर ही देखते रहोगे। ढूंढो ना। अजय थनी क्या ढूंढती हो, हम सिर्फ बैल हो ना। हमारा हम का नहीं खाते बाबू, इधर तो ढूंढनी पड़ेगी। अरे वो रही मेरी उठंडी। अजी सुनते हाँ, अठन्नी मिल गई। अजी ये तो मेरी लालटेन की वजह से मिली है। बाबू जरा देख तो, ये अठन्नी खोटी है या खरी? अजी ये तो बिल्कुल खरी है तुम्हारी तरह, मगर ये कब मिली थी, किसने दी थी और क्यों दी थी? अजी ये तो मुझे एक छोकरी ने दी, उसने अपने हाथ पे किशन का नाम गुदवाया। किशन का? अजी छोकरी का नाम क्या था? वो तो उसे गोपी गोपी पुकारता था। गोपी तब ये साफ हो गई है। अजी ये तो बिल्कुल खोटी अठन्नी है। कभी खरी कहता है कभी खोटी कहता है। अजी इसको खरी कौन कहता है, ये तो खोटी है, धोखा करके तुमसे। मगर गम्मत करो जी, हम भी सरकारी आदमी हैं, उनको घबरा करके छोड़ेंगे। आओ तुम मेरे साथ, मैं वसूली करवाता हूँ। हाँ चलो। अजी तुम बीच में क्या रहे हो, तुम तो ये ठहरो ना। अच्छा पिलवा यहाँ ठहरे और मैं तुम्हारे साथ चलो। ठहरता बदमाश। अजी ये बात है क्या, तो फिर आना कभी बस्ती में, तभी साफ कर दूंगा। जा जा। कोई खत है? अजी रात को खत होता है क्या? खबर है। खबर? हाँ। कैसी खबर? पूरी खबर है। पूरी खबर? हाँ अभी अभी पूरी खबर है कि अपनी तबीयत साफ हो गई है और सुनते ही तुम्हारी तबीयत भी साफ होने वाली है। मासी क्या भाई? लाला जी क्या पूछते, बस रोना शुरू कर दो। कोई मर गया क्या? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा। अरे कौन मर गया? कन्हैया लाल डा किया। अरे कमबख्त, इतने अच्छे भाग कहाँ इस गांव वालों के राम तुझे उठा ले। दूर हो मामू, क्या मजाक कर रहे हो तुम भी, यहाँ तो अपनी छोड़दार खानदान की तबीयत साफ हो गई है। आखिर कुछ बोलेगा भी? अजी बोलेगा क्या, वो जो तुम्हारी गोपी है ना लाडली, वो किशन शहनाई वाले के साथ प्रेम के राग लाप रही है। हाँ उसे तो किशन का नाम अपने हाथ पर भी गुदवा लिया है। हाँ राम फूट गए भाग में, गई ना तबीयत साफ। गंगा राम सुना तुमने? अजी सुन रहे हैं। सुन रहा कन्हैये के बच्चे, ये खबर तूने अखबार में पढ़ी है? अजी अखबार की खबर भी कभी सच्ची होती है क्या, ये तो लिखने वालों ने खुद हमको बताया है। अब तुम बोलो तुम्हारी गोपी को अपने सवा को इतनाने वाला है क्या? अच्छा अच्छा, लाख दफा कहा है इस ऐबदार की बातों में मत आया करो, चलो अंदर। गंगाराम जी। हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, एक दफा फिर सुन लो, गोपी की सगाई हमसे कर दो वरना तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी। अच्छा मेरी तबीयत तो होगी तो होगी, तेरी मैं अभी साफ कर दूंगा। चलो दूर। अगर ये बात सच निकली तो गांव में क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे भैया? लोगों से पहले तो तुम ही शोर मचा रही हो, लड़की को तो आने दो। लो आ गई। गोपी क्या हुआ, बुखार है क्या? देखो तो, अरे माथा तो ठंडा है। ठंडा बुखार है? ठंडा बुखार है? ये कैसा बुखार है? ये कपड़ा कैसे पहन रखे हैं? मम्मा वो तो ऐसा हुआ, मम्मा आंख मिचोली खेल रहे थे, बहुत गिर गया, नदी में गिर पड़ी। माँ
मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। वो तो भला हो बेचारी मजदूर लड़की का, उसने मुझे जबकि सबने कपड़े दे दिए। मैं मुझे सर्दी लग रही है। मैं सर समझ देख लो, गौर से देख लो, देख लिया उस बेईमान का एक बार कर बैठती और अपनी बेटी का नहीं। क्या बात है मामा? बात यह है कि अब वक्त बेवक्त बाहर न जाया कर, और अगर जाती है तो मुंह पे नकाब डाल के जाया कर। क्यों दीदी? तुम्हें ऐसा चाह रखा है इसे। जाओ बेटा, कपड़े बदल के सो जाओ। सुनो गंगारा, लड़की अब सयानी हो गई है, तुम कल ही श्यामगंज वाले जुगल किशोर को खत लिख दो। क्या लिखूं दीदी? यही कि उनका बेटा शेखर आकर गोपी को देख जाए, फिर सगाई की बात पक्की हो जाए। पर इतनी जल्दी क्या दीदी? देखो गंगाराम, कुछ बात तुम ज्यादा समझते हो, कुछ बात मैं ज्यादा समझती हूँ। अच्छा दीदी, लिख देता हूँ बस। हाँ, क्या कहा? उस कलमोई गोपी ने किसनवा का नाम गुजवा लिया। हाँ, और तुम्हारे कन्हैया का नाम मिटा दिया। उसने तो यहाँ तक हमारी तबीयत साफ कर दी है, और तुम हो कि उसकी माँ के साथ हमारी शादी की बात ही नहीं करती हो। और तुम तो कहती थी कि गोपी के मरे हुए बाप ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी को वचन दिया है। अजी कहाँ है वो वचन? तू फिक्र ना कर बेटा, मैं गोपी की माँ को मनवा कर ही रहूंगी। मेरा कन्हैया कोई ऐसा वैसा है? हाँ, तुम्हारा कन्हैया तो ऐसा वैसा नहीं है, मगर तुम्हारे कन्हैया की तबीयत ऐसी वैसी साफ हो रही है। जो करना है जल्दी करो ना। अरे बेटा, जब तक चाचा जिंदा है तुम्हारी तबीयत कौन साफ कर सकता है? वो ठाकुर हम ठाकुर, बीच में ससुर भिखारी की शर्मा थानाई वाला कहाँ से आन टपका? और देखो बेटवा, तुम तो बेफिक्र हो के खत बांटते जाओ, तुम्हारे ब्याह का खत आने ही वाला है। अजी तुम तो जियो ना, आज खत तो इतने बांटने को नहीं है चाचा जितनी के खबरें हैं, और वो तो ऐसे बांटता जाऊंगा कि सबकी तबीयत खराब होती जाएगी। अरे खूब बांटा, खूब बांटा बेटवा। अरे बिंदिया, आज ये तो कोई रेडियो चलाने का वक्त है क्या? कौन है? अजी कौन है क्या? गांव में आग लग रही है, तुम गाना सुन रही हो? क्या हुआ? अजी होना क्या है, कुछ पता भी है? वो तुम्हारी सहेली गोपी ने क्या गुल खिलाए हैं? क्या किया गोपी ने? अजी करना क्या है, अपने हाथ पर किशन का नाम गुदवा लिया है। तेरे पेट में क्यों दर्द होने लगा? चल है यहाँ से, नहीं तो भैया को बुलाकर। अजी बस बस, भैया को बुलाने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही काफी नहीं हो क्या? ये तो तुम्हारी सहेली थी जो कहने चलाया, वरना हमें क्या? तू भी गुदवा ले दो चार राम, लगे आग सारे गांव को। अजी ये घर है या कि भूत महल है, यहाँ कोई नजर ही नहीं आता है। क्या है? नमस्कार, कोई खत है? अजी खत क्या, आई तो खबर है। ऐसे टोल टप्पो के लिए हमारे पास वक्त नहीं, जाओ जाए ऐसे। अजी ये भी कोई बात है क्या, हम तो भले की कहने आए थे, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अजी मगर इनका भी क्या कसूर है, मूर्ख तो हम हैं, इनको क्या मालूम कि कृष्ण किस तरह से गुरु जी का नाम रोशन कर रहा है। गोपी ने उसका नाम तक गुदवा लिया और यहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अजी आपने सुन लिया क्या? तबीयत खराब हो गई है। अरे भैया ये क्या? पानी भरने जा रहा हूँ। तुम? ठीक ही तो है, तुम मंदिर जाओ, मैं पानी भरने जाऊँ, और ये बुढ़िया घर में बैठी आराम करे। क्यों, क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ, गोपी को तो तुमने बाहर जाने को मना कर दिया है, फिर मैं तो पानी लाने किसने मना किया है? गोपी इधर आ, ये ले घड़ा और पानी भर कर ला, और देख सीधे सीधे जाना और सीधे सीधे घर आना, समझी? और नहीं तो क्या। अजी कैसी हो?
तुम्हें देखकर अपना तो दिन सफल हो गया है। कौआ कहीं का है? कौआ गंगाराम ठाकुर। कौआ किसकी चिट्ठी है भैया? शामगंज से युगल किशोर जी की। लिखते हैं कि कुछ ही दिनों में शेखर गोपी को देखने आ रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये दूसरा खत है रामगढ़ से तुम्हारी असामियों का। मालगुजारी वसूल करने के लिए मुझे आज रात की गाड़ी से ही जाना होगा। लेकिन शेखर आएगा तब? तब तक मैं आ जाऊंगा दीदी, ऐसी क्या बात। अच्छा, बेचारी का दिल भी बैठ गया। क्या हो गया है तुझे? अरे बेचारी के दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो गई है। अखियां भूल गई है सोना, दिल पर हुआ है जादू टोना। हाय शहनाई वाले, हाय शहनाई वाले। भूल गई है सोना।
गोपी आखिर रात क्या बिच्छू ने काट खाया? चल है, बिच्छू का बिच हमें नहीं चढ़ा करता। कोई श्याना वाना को बुलाए, राख चाल श्याने के मुंह पे। तो फिर कान्हा कन्हैया को बुलाए। अजी बिन बुलाए आ गए सनम तेरे लिए। कजरी क्या गाती हो, तबीयत साफ कर दी है। कहता हूँ मस्त हो गया हूँ मस्त। कान्हा कन्हैया मैं इसलिए गा रही थी कि तू सुने और मस्त हो जाए। जरा इधर तो आ। तबीयत साफ हो गई है। तबीयत साफ हो गए ना। तुमने गोपी के बारे में क्या कहा था लोगों से? अजी कान छोड़ोगे तो बताऊंगा। क्या कहा था, कब कहा था हमने? अजी हम तो तुमको और गोपी को एक ही आंख से देखते हैं। ये तो ठीक नहीं देख सकता। कहाँ है वो नाम गोपी के हाथ पर जो तुमने कहा था? अजी ऐसा बोलोगे बताऊंगा। कहाँ है वो नाम, अभी बताता हूँ कहाँ है वो नाम। अजी नाम यहाँ है और कहाँ है? ये रहा नाम, किधर गया नाम? क्यों, तबीयत साफ हो गई ना? अजी तबीयत साफ क्या, या तो नाम भी साफ हो गया। तबीयत साफ हो गई ना, किधर गया? कन्हैया लाल नाम इधर नहीं, इधर है। ओ ऐसी बात है क्या? इधर है क्या? कैसे आई तुम? मैं नहीं आई, तुम्हारी शहनाई के सुर मुझे खींच लाए। अब दर्द कैसा है गोपी? बड़ा गीता। मैं हाथ के दर्द की बात कर रहा हूं। मैं दिल के दर्द की बात कर रही हूं गोपी। किशन, गोपी आओ अंदर आओ। नहीं मैं। गोपी
नहीं बिगाड़ा है उसे, तब से गई है पानी भरने, अब तक नहीं आई। बपी इधर आ। इतनी देर कहाँ थी? ये कपड़े कैसे भीगे और घड़ा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं, जवाब दे। ऐसा हुआ, मैं पानी भर कर आ रही थी, सामने से एक बैल भागा भागा आया और अजीब बैल का है का, वो तो साल था साल किस सिनेमा से बातें कर रही थी। बेशर्म, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो सज्जू, तुम्हारी ये आंखें और तुम्हारे बेटे की बातें, दोनों पे हमें एतबार नहीं। और तुम तो मजाक पर उतर आए। देखो जमुना, अब बात पक्की कर लो, मेरा कन्हैया हर तरह से होशियार है, बस गोपी मेरे घर में आ जाए तो मैं भी चैन से बैठूं और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाए। हमारा बोझ हम पर भारी, तुम अपने घर में चैन से बैठो, जाओ चल जाओ यहाँ। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन ये छोकरी तुम्हारी नाक कटवा कर रहेगी। हाँ अच्छा अच्छा जा जा। इस अज्जू क्या कह रही थी? कुलक्षणी पहले हमें मर्दान देती, फिर मुखड़े पर चाही लपेटे फिरती, कहाँ चली है किशन? अरे ये तूने क्या कर्तव्य किया है जन्म जली? मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। चुड़ैल ऊपर से जबान चलाती है, ये तूने क्या किया बेटे? मामा मैं भिखारी करना नहीं बिठाऊंगी। ये क्या कर रही हो दीदी? छोड़ दे गंगाराम। दीदी मैं उस कमबख्त का नाम जला दूंगी, न रहेगा बात न बचेगी बात। क्या कर रही हो? इस तलमहे ने साले पुल का बदनाम कर दिया है, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी अगर फिर बाहर निकल। पागल हो गई हो क्या? आज मैं आपको जला दूंगी, मार दूंगी। क्या क्या इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था तुमने? खामखा इतनी बात क्यों बढ़ा दी दीदी? भगवान का नाम तो सभी बुधवाते हैं, राम शंकर किशन, क्यों? देखो अब इस बात को यहीं तक रहने देना, और शेखर की बात अभी उसे मत कहना, और अगर वो आ जाए तो उसे ये मत पता लगने देना कि वो क्यों आया, नहीं तो वो कुछ नादानी कर बैठेगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं उसे वापस आके समझा लूंगा। हाँ है।
महीने सावन की झड़ी है, एक पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सोना सोना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई बोले सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। से मैं तुझको बुलाऊं, आजा कब से मैं तुझको बुलाऊं, तेरे प्यार के सपने सजाऊं। जिया चाहे दल घिर घिर आए, पापी पपी हारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। तेरी शहनाई बोले सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। इस तरह खोए खोए क्यों हो? मालूम नहीं, लेकिन मुझे सब मालूम है। दिल की बात छुपा सकते हो, आंखों की नहीं। क्या है मेरी आंखों में? दो बातें, एक मुझे पसंद है, एक मुझे पसंद नहीं। क्या? एक तो इन आंखों में किसी का प्यार है, वो मुझे पसंद है। दूसरा इन आंखों में दर्द है, वो मुझे पसंद नहीं। रामू, तुम मेरी इतनी चिंता करती हो, आखिर क्यों? चिंता करती हूं ये मुझे मालूम है, क्यों ये नहीं मालूम। भूल जाओ किशन, जो बात होने वाली नहीं है उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा। चांद सितारे दूर से देखने के लिए होते हैं, छूने के लिए नहीं किशन। ये मैं भी जानता हूं, लेकिन दिल पर किसका बस होता है? रामी, तुम क्या जानो किसी के दिल का दर्द? किशन, गोपी, ये पीपनी वाला तो दिन ब दिन मेरी तबीयत साफ ही करे जा रहा है। तू बेफिक्र रह बिटवा, नजरबाजी न भुलवा दूं तो काका नाम नहीं, दोबारा इस ससुर फिर खिड़की के नीचे ना ही दिखेंगे। हाँ, आ जाए रात का, तब तो तबीयत साफ हो जाएगी चाचा। Thank you.
गंगाराम जी का घर यही है क्या? जी हाँ। गोपी कौन है बेटा? मेहमान है माँ। तो अंदर ले आओ बेटी। आइए। जीते रहो जीते रहो। गोपी जल्दी चाय तो बना ला, जल्दी जा। बैठो बेटा। श्यामगंज में सब अच्छे तो हैं? अच्छे हैं। गंगा राम होते तो तुम्हें देखकर बड़े खुश होते। वो किसी जरूरी काम से रामगढ़ गए हैं। उनकी चिट्ठी तो मिली? जी मिली थी। वही चिट्ठी पिताजी ने मुझे लखनऊ भेज दी थी। लखनऊ? अरे हाँ, जाने का है, मैं नौकरी सुनी थी तुम्हारी रेडियो में। हाँ हाँ हाँ, रेडियो में। लखनऊ रेडियो स्टेशन में मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। हाँ। गाने वालों को और साज बजाने वालों को रेडियो पर पेश करता हूँ। बड़ी खुशी हुई सुनकर। गोपी को तुमने बचपन में देखा होगा, अब तो कितनी सयानी हो गई, देख लिया ना। वाह वाह, कौन बजा रहा है ये शहनाई? है एक गांव का आवारा लड़का। नहीं नहीं, ये तो कोई बड़ा कलाकार मालूम होता है। चाय पियो बेटा। आह, क्या जादू है इसके सुरों में। कोई ताज्जुब नहीं, किशन की मुरली सुनके गोपियां पागल होकर अपना अपना काम छोड़कर खींची चली आती थी। न दिन देखती थी न रात। मैं अभी उसे मिलकर आता हूं। शेखर, ये मुगा किसी को चैन से नहीं बैठने देगा। दिन रात इतनी बजा बजा के कान खा जाता है। मां, ये कौन थे? है गंगाराम के दोस्त का लड़का, मिलने आया है। शहनाई बजाते हो। आपकी तारीफ। कला का पुजारी, मुझे शेखर कहते हैं। लखनऊ रेडियो में मैं संगीत विभाग संभालता हूं। शहनाई जैसे साज में ऐसी अनोखी ताकत है, ये तो मैंने आज ही देखा। आप मेरे साथ लखनऊ चलिए ना। जी नहीं, मेरा लखनऊ बनारस सब यही है। इस छोटे से गांव में आपकी ये शानदार कला नहीं समा सकती। रेडियो पर शहनाई बजाने से आपकी कला सारे देश में फैल जाएगी। आपको शोहरत भी मिलेगी और रुपया भी।
शेखर बाबू, कलाकार ना नाम चाहता है ना रुपया। लेकिन यहां आपकी कला की कदर करने वाले कौन हैं? यहां भी हमारी कदर करने वाले मेहरबान हैं शेखर बाबू, आपको क्या मालूम। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। बेटा तुम तो आए और चल दिए। जी, मेरा लखनऊ पहुंचना जरूरी है, सवेरे प्रोग्राम। हाँ, तो तुमने गोपी को तो देख ही लिया है, अब जी मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं, जो आप लोग ठहराएंगे मुझे मंजूर है। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। आज मेरे सर का बोझ हल्का हो गया। गंगा राम के आते ही शादी का मुहूर्त निकलवा के तुम्हारे पिताजी के पास चिट्ठी लिखवा कर भिजवा देंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा बेटा, जुगल किशोर जी को मैं राम राम कहना। अच्छा। वाह जनाब, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? किसी का इंतजार है क्या? जिनका इंतजार होता है वो कहाँ मिलते हैं? और जिनको ख्वाब में भी ना सोचा हो वो बार बार मिलते हैं। मुझे ही देख लीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात हो गई। खैर, मेरी बात भूलिएगा नहीं, जब कभी आप लखनऊ आए तो मुझे जरूर मिलिएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बेटी किशन का कुर्ता सी रही हो, कभी उसके दिमाग को भी दो चार टाके लगा देना। क्यों बाबा? आजकल खोया खोया सा रहता है, शायद ये उसका कसूर नहीं, उम्र का। कैसे बाबा? अपने आप ही को देख लो, कितनी सियानी हो गई हो, अब तो तुम्हारे ब्याह की भी चिंता है। बाबा, इतनी जल्दी? बेटी, बुढ़ापा सर पर खड़ा है, सोचता हूं जल्दी से तेरे हाथ पीले कर दूं तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। लेकिन भगवान का भी कमाल देखो, दर्द देता है दवा भी देता है। किशन को उसी ने तो मेरे घर भेजा है। तुम्हें पसंद है ना रामी? शर्मा गई बेटी, मैं सब जानता हूं, मेरे लिए तो एक आंख तू है और दूसरी आंख किशन। दो आंखों में तो फासला होता है बाबा, लेकिन नजर तो एक ही होती है। बेटी, किशन के हाथ में तेरा हाथ देकर मैं उससे गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा, मैं उसे एक हीरा दे रहा हूं। लेकिन बाबा, किशन से पूछे... अरे किशन मेरी बात कभी नहीं टालेगा, लो अभी लो, हाथ कंगन को आरसी क्या है। किशन, अरे किशन, किशन! अब क्या होगा भगवान, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। एक तरफ गुरु जी की आज्ञा, दूसरी तरफ गोपी का प्रेम है। भगवान, आपकी साक्षी में मुझे आसरा मिला, विद्या मिली, प्रेम मिला। अब क्या अपनी आंखों के सामने मेरे प्रेम को लुटते हुए देख सकोगे? प्रेम तो आप ही का रूप है, अपनी लाज बचा लो प्रभु, अपनी लाज बचा लो। गोपी, गोपी।
जाए। मैं आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। कहो ना। अरे यार अभी रात को मंदिर में नगाड़ा क्या? अरे आज यार कृष्ण जन्माष्टमी है ना। अरे काट के उल्लू बैसाख में कृष्ण जन्माष्टमी, ये कोई जरूर दाल में काला नजर आता है। चल चल उसमें देख। समझते हो कि वो सिर्फ एक ही लड़की को बुरी नजर से देखता क्या? अरे वो गांव की हर बहू बेटी को ऐसे ही देखे है। एक एक का नाम बताना शुरू करूं तो तुम सब की तबीयत साफ हो जाए। और अजब बात देखो, आधी रात में छुकरिया का उठा के ले जावा, वो भी भगवान का मंदिर में एक एक साथ दूजू चुनू। अरे अंधेरे भाई अंधेरे, अरे हम गाँव वालन के लिए बहुत शर्म की बात है भैया, बहुत शर्म की बात है। महाराज आ गई, अब यह अपने चेला फैसला करिए। हाँ महाराज, अब तुम्हें फैसला करो। देखो महाराज, देखो अपने चेला का रास लीला, ससुर बिंदरा बन समुद्र रखी है। चुप कर,
नीचे आओ। किशन नीचे आओ। किशन वहां न जाओ, किशन वहां न जाओ। क्यों ना जाऊं मैं? गोपी हमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं किया। मैं अपने प्यार पे किसी को कीचड़ नहीं उछालने दूंगा। आओ मेरे साथ। बदमाश, ये तेरे पेट को रोटी और तेरे सास को संगीत इसीलिए दिया था कि तू मेरे और सारे गांव के माथे पर कलंक का टीका लगा दे। गुरुदेव, मेरा प्रेम पवित्र है। मैं प्रेम को कलंक का टीका नहीं, पूजा का टीका समझता हूँ। चाहता है मैं तेरा गला घोंट दूँ। आप गला घोंट के शायद मेरी आवाज को बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा की पुकार को कोई बंद नहीं कर सकता। वो हमेशा ये चिल्ला चिल्ला कर कहती रहेगी कि गोपी मेरी है, गुरुदेव मेरी है। जल नहीं आती समाज चलाते नाशक का। तू इस गाँव को हमारी इज्जत का शमशान बनाना चाहता। छोड़ दो, छोड़ दो। बापू नहीं, बापू अगर गोपी और किशन का मिलाप ना हुआ, ये दोनों आत्महत्या कर लेंगे तो भी ये गांव शमशान बन जाएगा। बापू रुक जाओ। अब मेरे लिए बाकी क्या रहा है? कपट ने मेरे घर को शमशान बना दिया। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या अरमान थे मेरे, मगर इस कमबख्त ने सब पर पानी फेर दिया। गुरुदेव, आपने हमेशा मेरे अरमानों को उभारा। मेरी हर खुशी को आपने हमेशा अपनी खुशी समझा, और आज मेरे अरमान, मेरी खुशी, मेरा जीवन सबको कुचल कर आप अपने क्रोध की बाढ़ में बहा देना चाहते हैं। निकल जा इस गांव से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। बापू निकल जा। खबरदार जो मेरे पैर पर हाथ लगाए, आज से तू मेरे लिए मर चुका। देखा, मैं ना कहती थी कि ये छोकरी एक दिन नाक कटवा कर रहेगी। जन्म जली जन्म हुई, तूने मेरे मुंह पर काली पोंछ दिया। माँ चल घर माँ। गोपी किशन को चाहती है, घर घर में इसकी बदनामी हो चुकी है। तुम इन दोनों का ब्याह करके इस भ्रमी को इज्जत बना लो। बुआ क्या बकती है, इस भिखारी के हाथ में गोपी का हाथ पकड़ा दो, जिसके माँ बाप को पता नहीं, ठिकाना नहीं, इज्जत नहीं। गोपी लखपति के घर जाएगी, समझो? चल चुड़ाए, चल चल क्या बकती है, इस भिखारी के हाथ में गोपी का हाथ पकड़ा दो, जिसके माँ बाप को पता नहीं, ठिकाना नहीं, इज्जत नहीं। गोपी लखपति के घर जाएगी, समझी? इस छोटे से गांव में आपकी ये शानदार कला नहीं समा सकती। रेडियो पर शहनाई बजाने से आपकी कला सारे देश में फैल जाएगी, आपको शोहरत भी मिलेगी और रुपया भी। किशन चलो घर चलो। कौन से घर? अपने किशन, अपने घर चलो। वो अब मेरा घर नहीं रहा राम, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। अब मुझ भिखारी का इस राधापुर में कोई घर नहीं रहा। मैं इस गांव में तभी कदम रखूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। रामी, मेरा काम करोगी क्या? गोपी से कहना कि वो मेरा इंतजार करे, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। रामी आखिर जाओगे कहां? लखनऊ चला जाऊंगा।
हे मिस्टर, टिकट? जी वो टिकट तो नहीं मेरे पास। बिना टिकट ही चले आते हैं, बाजू खड़े हो जाओ। रामी, चलो किशन। रामी तुम? चलो चलो चलो। लेकिन रामी तुम शायद क्यों आई? तुम आए हो इसीलिए। मैं कहता हूँ तुम वापस चली जाओ। आखिर तुम यहाँ क्या करोगी, कहाँ रहोगी? जहाँ तुम रहोगे वही। और आज तक मैं जैसे तुम्हें तीन रात देखती आ रही हूँ वैसे ही देखती रहूंगी। इतना काम मेरी जिंदगी भर के लिए बहुत है। रामी, मुझे और मुश्किल में न डालो। रामी, किशन। रामी, तुम तो जानती हो रामी कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्यों गांव से निकाल दिया है, और तुम ये भी जानती हो कि मैंने किसके लिए घर छोड़ दिया है। तुम वापस चली जाओ रामी। किशन, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं ना रहूंगी तो तुम्हें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? इतना भी नहीं सोचती। लेकिन रामी, तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, आखिर कौन हो तुम जो मेरा दिन रात इतना ख्याल रखती हो? तुम रिश्ता पूछते हो, ये भी एक दिन याद करके बता दूंगी। अभी तो चलो चलो किशन। आप लखनऊ रेडियो स्टेशन के कलाकार बन गए। शुक्रिया। अब आपकी शहनाई हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज उठे। शेखर बाबू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। गांव में मैंने आपको लखनऊ आने को कहा था तो आपने इनकार कर दिया, तो आप खुद ही चले आए, इसमें क्या राज है? आपने मुझ पर एहसान किया है, मैं आपकी मदद चाहता हूं। शायद मैं अपना राज आपसे छुपा नहीं सकता। शेखर बाबू, मैं अपनी कला इसलिए बेच रहा हूं ताकि मेरा प्यार न बिक जाए। कौन है वो? उसका नाम दिल में रहता है, जबान पर नहीं। दुनिया ने मुझे भिखारी समझकर उससे मिलने नहीं दिया। शेखर बाबू, मैं समझता था कलाकार ना नाम चाहता है ना रुपया, लेकिन अब मैं नाम चाहता हूं, रुपया चाहता हूं। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि मैं रास्ते का भिखारी नहीं, और जिस दिन मुझे कामयाबी मिल जाएगी मैं उसी गांव में चला जाऊंगा जहां मेरे प्यार का सपना आबाद है। ओ, तो आप भी मोहब्बत के चक्कर में हैं? कोई बात नहीं किशन भैया, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार। आजकल मैं भी प्यार के सपने देख रहा हूँ। कौन है वो? उसका नाम दिल में रहता है, जबान पे नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी प्रतिमा आपको मिल जाए। वो तो मिलकर ही रहेगी, मेरी बात पक्की हो चुकी है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बात अभी पक्की नहीं। क्या प्यार पर भरोसा नहीं? जमाने पर भरोसा नहीं शेखर बाबू, लोग अपना बनाकर लूट लेते हैं। खैर जाने दीजिए, देखिए मैं बहुत जल्द आपका प्रोग्राम रख रहा हूं। जी अच्छा, इजाजत। रामी, सब तय हो गया, ये देखो। बड़ी खुशी की बात है, मैं आज ही पिताजी को खत लिखूंगी, वो बहुत खुश होंगे। चलो चलो। क्या गजब हो गया, जब से रामी किशन के साथ भाग गई बेचारे घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्या मुंह दिखाए बेचारे, और किशन को तो देखो, प्रेम का रास रचाता रहा गोपी से और ले भागा रामी। कहिए रघुनाथ जी, कुछ रामी की खबर लगी? कहाँ है वो? जहन्नुम में, और तुम्हें जाना हो तो तुम भी जाओ। लखनऊ से काशी संगीत सभा, काशी से
ये तो महाराज अब काशी ही जाएंगे। अरे यार, आपके दिल में क्यों हाथ डाल रहा है? आजकल उनका दिमाग खुद ही ठिकाने नहीं। कैसे हो? जवान लड़की जो किशन के साथ भाग गई। अरे जवान लड़की नहीं भागेगी तो क्या हम भागेंगे? हम तो वैसे भी सरकारी अफसर हैं, हम भाग जाए तो खत कौन बांटेगा? महाराज, अजो महाराज, अजी खत है। किसका है? जिसका आप समझ रहे हैं उसका नहीं है, मेरा मतलब है रामकली का नहीं है। रामकली का नाम न लो, मेरे लिए वो मर चुकी है। अजी मर क्या चुकी है? वो तो बड़ी जिंदा दिली से जिंदा है। हो जा मेरे सामने से, मुझे किसी का खत नहीं चाहिए, मैं किसी की सूरत नहीं देखना चाहता। क्या हुआ महाराज? सर्वनाश हुआ है मेरा। आओ सब मिलकर तमाशा देखो, इसीलिए आए हो ना। देखो सफेद पालों में खाक पड़ी हुई कैसी शोभा देती है, बुढ़ापे और बुजुर्गी की मिट्टी खराब होती है तो आप रुतार का चेहरा कैसा हो जाता है? देख चुके ना, तो जाओ, बड़कपन का नाटक खत्म हो चुका। मेरी लड़की भाग गई किशन था जिंदे के साथ, मेरी इज्जत पर काला पर्दा पड़ गया, मुझे मौत का इंतजार है। क्या तुम मुझे वो भी नहीं करने दोगे? मैं नहीं मान सकती बिन्नी, मैं नहीं मान सकती, किशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। और रामी भी तो ऐसी नहीं लगती थी जो किशन के साथ भाग जाए। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे विश्वास है मेरा किशन जरूर वापस आएगा। अब क्या आएगा? रघुनाथ जी ने उसे निकाल ही दिया। ऐसा न कहो बिन्दी, ऐसा न कहो। रोती क्यों हूँ? अरे जो इस तरह भाग गया उसके लिए रोना क्या? हम लखनऊ से बोल रहे हैं, अब हमारी दूसरी सभा शुरू होती है। हम अपने सुनने वालों को एक अनोखे कलाकार से मिलवाती हैं। ये हैं राधापुर वाले रघुनाथ महाराज के शागिर्द किशन शहनाई नवाज। हमें विश्वास है कि इनका रस भरा शहनाई वादन हमारे सुनने वालों के कानों में बरसों तक गूंजता रहेगा। लीजिए किशन जी से शहनाई सुनिए। Thank you.
सा खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। करके मैंने शहनाई सीखी, जिसकी लगन ने मेरी शहनाई में जादू पैदा किया। आज वो मुझसे कितनी दूर हो गई है, ना कोई खत ना कोई खबर। किशन, मैंने आज एक और खत लिखा है गोपी को। क्या फायदा, पहले इतने लिखे उनमें से किसी का जवाब दिया उसने? नहीं दिया, उसके कई कारण हो सकते हैं। तुम तो जानते हो किशन, गोपी नए जमाने की लड़कियों की तरह नहीं, जिनकी आधी जिंदगी खत लिखने में कटती है। गोपी की भी हजार मुश्किलें हैं। रामी जी, में आता है गोपी को एक नजर देखा। देखा, लेकिन तुम्हारी तपस्या निष्फल हो जाएगी। तुमने कसम खाई थी कि जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे राधापुर में कदम नहीं रखोगे। हौसला रखो किशन, सफर प्यार के रास्ते का चिराग होता है। मुझे विश्वास है अब के गोपी का जवाब जरूर आएगा। अच्छा, तुम कहती हो तो आ ही जाए।
तबीयत साफ हो गई है। गोपी लखनऊ से? लखनऊ से तो अपनी जेब में। कन्हैया लाल जी। कौन है बे? डाक आ गई क्या? डाक नहीं तो ये क्या, मैं पापड़ दे रहा हूं। डाक आ गई क्या? आप लोग में और कोई काम नहीं है क्या? मोहनलाल पांडे। हाँ जी। ये धंधा घर रख के आया करो। नैनी महाराज जी। हाँ लाइए। मुसम्मत भूल जड़ी जी। अजी आपने क्यों तकलीफ की, मैं घर ही दे आऊंगा। शुक्रिया। तब ये साफ हो गई है। अलीबख्श, अलीबख्श तुम अकबरोश। नवाब मुन्ने खान तांगे वाले। आदाब नवाब साहब। मेरा ऐसा ही है ना, ये तो नाम ही नहीं है। हाँ, हमारी कोई जी। हमने सबका ठेका लिया क्या? जरा देखिए ना, ये सब बेरंग है। लोगे जी? नहीं तो जाओ, आपको अपनी चिट्ठी देखने दो। भैया कन्हैया लाल। भैया हमारी कोई चिट्ठी है? अजू को लिखेगा तब होगी ना। कोई चिट्ठी नहीं? अजू होती तो घर नहीं पहुंचा देते क्या? भैया कहकर तो अपनी तबीयत साफ कर देती है। ये भी इस लेटर बॉक्स में।
खत है क्या? अजी खत क्या पूछती हो, आई तो खबर है, जरा देखो तो, देखते ही तबीयत साफ हो जाएगी। लो ये जोड़ी तो जम गई, अब हमारी तुम्हारी जोड़ी भी जम जाए ना, तो भगवान की दया से हम भी अपनी शहनाई बजाने लगे, तबीयत साफ हो जाएगी। तुम तो मुझे भूलकर जिस नदी के किनारे मुझे प्यार की जिंदगी मिली थी, आज उसी नदी की लहरों को मैं अपनी जिंदगी वापस करने आई हूँ। माँ मुझे अपनी गोद में ले ले, माँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई है? मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, छोड़ दो। पहले हम आए थे तो हमें जोड़ा मिला था, और आज हम आए हैं तो तुम अकेली हो। कौन मिला था? आए हाय, तुम मुझे भूल गए, पर मैं कैसे भूलूं? मेरी निशानी देखनी हो तो चोली सरका कर देखो रानी, जान मिट जाए पर निशान नहीं मिटता है। इसीलिए तो मैं जान को मिटा देना चाहती हूँ। जान पड़ता है, इस बेचारी को प्यार के बदले मार मिली। सबर से काम लो रानी, जान है तो जहान है, और वो मोहब्बत ही क्या है जो हार जाए। आओ चलो हम तुम्हें घर पहुंचाए आते हैं। नहीं, ऐसी रादारी नहीं करते बहन, क्या पागल हो गई हो? चलो हम क्या तुम्हें मरने देंगे? बेटी आत्महत्या बड़ा पाप है, और जिसे इंसान चाहे उससे बिछुड़कर जीना भी बड़ा पाप है। जीवन में हर आशा किसकी पूरी होती है बेटी? अगर हर गोपी को किशन मिल जाता तो यह संसार गोकुल बन जाता। बेटी अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, अपनी माँ के लिए मेरी बात मान ले। शेखर अच्छा लड़का है, मुझे विश्वास है उसके घर में तुझे बहुत सुख मिलेगा। मामा ये आत्मा जिसकी थी उसकी हो चुकी, अब मेरी लाश को चाहे जिसके हवाले कर दो, मैं उतना करूंगी। गंगाराम अब जो मुहूर्त निकाला है वो पक्का करके जुगल किशोर को लिख दो, शादी हम रामगढ़ में करेंगे। वो क्यों दीदी? यहाँ गोपी और किशन की बहुत बदनामी हो चुकी है, किसी ने शेखर के कानों में कुछ फूंक दिया तो। ठीक कहती हो दीदी, मैं ऐसा ही करता हूं। उधर रख दो। देखो किशन, मैं जानती थी कि गोपी मेरे खतों का जवाब जरूर देगी। ऐसा लगता है कि गोपी हर रोज एक खत लिखती रही। धर्मदास, अमीर चंद, बम्बई रेडियो, नेशनल क्लब। बहुत से खत आए, बहुत से पैगाम आए। कोई शादी में मेरी शहनाई सुनना चाहता है, और कोई मुझे महफिल की रौनक बनाना चाहता है, मगर जो मेरे दिल की रौनक है उसका कोई पैगाम नहीं आया। रामी अब मैं नहीं रुक सकता, मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है, मैं आज ही राधापुर चला जाऊंगा। अब मैं भिखारी नहीं, कोई रास्ते का चिराग नहीं जिसे हर कोई बुझा दे। अब मैं वो दिया हूं जिसे देवी के मंदिर में जलाया जा सकता है। किशन बाबू आ रहे हो? आओ यूसुमिया। आ गए आप? क्या कोई रेडियो का प्रोग्राम है? मुझे अफसोस है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। हाँ जनाब, आपके पास वक्त कहाँ, अब तो आप कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, बंबई, बनारस, हिंदुस्तान भर में धूम मचा के आए हैं। अम्मा आप रेडियो को ठुकरा सकते हैं, दोस्त को नहीं ठुकरा सकते। आपके लिए शेखर बाबू का जरूरी पैगाम है। शेखर बाबू का पैगाम? जी जनाब। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या बात है?
10 तारीख को रामगढ़ में उनकी शादी है। शेखर बाबू की शादी? बड़ी खुशी की बात है। वो रवाना हो चुके हैं और उनकी आपसे आरजू है कि मुझसे? जी, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी शहनाई उनकी शादी की महफिल में न गूंजी तो वो शादी नहीं करेंगे, वो आपका इंतजार करते होंगे। लेकिन वहाँ कोई और मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या जी? कुछ नहीं, दोस्त के एहसान ने मेरे पांव में जंजीरें डाल दी। तो बस हम आज रात की ही गाड़ी से रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया। भाभी जी को भी साथ ले चलिएगा। किशन, तुम ही हो आओ, वहाँ से लौटने के बाद हम राधापुर चलेंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। आधा वक्त शुभलगनम सेवन कल्याणम आरोग्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो रजस्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्षयो दृष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। पानी नहीं लाई अभी तक। घबराओ नहीं, अभी ठीक हो जाती है। गोपी, गोपी गोपी की शादी में मैं कैसे शहनाई बजाऊंगा?
उस वक्त मैं फिर से चेहरा होगा, मैं दूल्हा बनाऊंगा और गोपी मेरी क्या कहता है रे कलमुआ, गोपी की शादी में तेरे सर पर चेहरा होगा? अरे गोपी की शादी में तू शहनाई बजाए वही गनीमत है, भाग यहां से। कौन जाने मेरी शादी की शहनाई बजेगी भैया। ऐसा ना कहो गोपी, तुम्हारी शादी पे शहनाई जरूर बजेगी, सिर्फ बजाने वाला कोई और होगा। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, प्रीत पतंगा दिए से करे, प्रीत पतंगा दिए से करे, उसकी हिला में वो जल जल मरे, मुश्किल राहे यहाँ अश्कर आहे यहाँ, इसमें चैन नहीं ना करार। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, हमने तो समझा था भूल खिले, हमने तो समझा था भूल खिले, चुन चुन के देखा तो कांटे मिले, ये अनोखा जहां हर दम धोखा यहां, इस वीराने में कैसी बाहर। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। मुझे अफसोस है किशन भैया का कहीं पता नहीं, यहाँ सुनने वालों के खत पर खत आ रहे हैं उनकी शहनाई के लिए। लेकिन वो तो आपकी शादी में गए थे। वो शादी तो ऐसी हुई कि किसी को किसी की खबर ही नहीं रही, कौन आया कौन गया। क्यों क्या हुआ? शुरू से सब कुछ ठीक था, फेरे हो रहे थे और किशन भैया की शहनाई सुनाई दी, न जाने उस वक्त दुल्हन को ऐसा दौरा पड़ गया कि वो बेहोश हो गई। बड़े दुख की बात है,
कहाँ है आपकी दुल्हन? उनके मामा उन्हें राधापुर ले गए हैं। राधापुर? राधापुर की है आपकी दुल्हन? क्या नाम है? गोपी। गोपी? क्यों? कुछ नहीं, आपके फेरे तो हो गए ना? बेहोश दुल्हन के फेरों को अगर फेरे समझे जाएं, तो समझी हो गए। अच्छा, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। अगर किशन भैया आ जाए तो मुझे फौरन खबर दीजिएगा। जी। एक कागज मिल सकता है? जरूर जरूर। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। गंगाराम जी। कौन है भाई? ये आपका खत है। आज तुम कैसे? कन्हैया कहाँ है? वो बीमार है। क्या चाची, अब गोपी कैसी है? क्या पूछती हो बिंदी, वही हाल है। दिन रात खोई खोई सी रहती है, ना किसी की बात सुनती है ना कुछ कहती है। जाओ देख लो ऊपर। किसकी चिट्ठी है भैया? लखनऊ से रामकली की। रामकली की? उस चुड़ैल ने हमें क्यों चिट्ठी लिखी? पढ़ने तो दो दीदी, पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। श्रीमान चाचा जी प्रणाम। मैं इससे पहले 10 चिट्ठियां लिख चुकी हूं, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। गोपी और किशन के प्रेम को जानते हुए भी आपने गोपी की शादी शेखर बाबू से क्यों की? जिस दिन से गोपी के ब्याह में किशन ने शहनाई बजाई, उस दिन से आज तक किशन का कोई पता नहीं। अगर किशन राधापुर में आए तो उससे कह दीजिएगा तुम्हें उस रामकली ने याद किया है जिसने तुम्हें मां की तरह पाला और बहन की तरह चाहा। आशा है गोपी अब ठीक हो गई होगी, आपकी बेटी रामकली। सुना दीदी, रामी और किशन के बारे में हम जो समझे बैठे थे वो बात कितनी गलत निकली। अरे ये सब बनाने की बातें हैं भैया। नहीं, मैं जानती थी किशन गोपी का है, गोपी का ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जिस शहनाई से गोपी बेहोश हुई थी वही किशन की शहनाई उसे होश में ला सकती है। गोपी, 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 गोपी। किसे पुकार रही हो दीदी? उस बेचारे को होश ही कहां, उसके पांव तो अपने आप उधर उठ जाते हैं जहां वो बचपन से किशन की शहनाई सुना करती थी। जाने दो उसे, वहीं उसकी आत्मा को शांति मिलती है। रामकली ने 10 चिट्ठियां लिखी और ये कैसे हो सकता है भैया? कोई 10 चिट्ठियां लिखे और हमें एक भी न मिले? मिले कैसे दीदी, वो डाकखाने में कमबख्त कन्हैया जो है, ना आज ये नया डाकिया आता और ना उसका भांडा फूटता। मगर आज कन्हैया के बच्चे को छठी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम गंगाराम नहीं। गोपी, गोपी तू क्यों मुंह मोड़ गई और ये निशानी छोड़ गई, हमारा दिल तोड़ गई। आ गई गोपी? गोपी नहीं, गोपी का मामा आया। अब ये साफ हो गई। बदमाश, निकाल वो चिट्ठिया। कौन सी चिट्ठिया, कैसी चिट्ठिया जी? बताऊं कैसी चिट्ठियां? अजी हाथ क्यों उठाते हो, मुझे बोलना नहीं आता है क्या? हम तो पहले बीमार हैं। अच्छा अच्छा, निकाल वो चिट्ठिया जो तूने चुराई है। अजी चिट्ठिया तुम्हारी कहां जो हमें मारते हो? जिसकी चिट्ठियां मारने को भी उसी को भेजो ना, जब मार खाने में मजा आएगा मामा। है मजा, मैं तुझे अभी चिखाता हूं। निकाल वो चिट्ठिया। अजी कसूर तुम्हारा मारते हमको, ना तुम गोपी की शादी किसी और जगह करते ना हमको चिट्ठियां चुरानी पड़ती। बकवास बंद करता है या नहीं कि बुलाओ पुलिस को। सिपाही बुलाने की कोई जरूरत नहीं मामा, सिपाही तो मैंने सपनों में बहुत देख लिए हैं। अजी देखी क्या, उनके अंडर काका के अपने तो अंजे पंजे ढीले हो रहे हैं। और फिर शुक्र करो कि वो तो सपने थे, वरना तबीयत बिल्कुल साफ ही हो जाती ना मामा। चोर कहीं का, मैं अब तुझे थाने ले जाऊंगा और पूरे 12 साल की कैद करवाऊंगा। हाँ हाँ, क्या किया है मेरे बेटे ने? तुम्हारे लाडले बेटे ने चिट्ठियां चुराई हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म किया है मेरे लाल ने? मामूली 2-4 पैसे की चिट्ठियां ही तो चुराई है। तुम्हारी भैंस तो नहीं खोल लाया, सोना चांदी तो नहीं चुरा लाया, चिट्ठियां चुराई है। इसने चिट्ठियां नहीं चुराई, किसी की जिंदगी की खुशियां चुराई।
तुम्हें नहीं मालूम कि इन चिट्ठियों की चोरी से मेरी गोपी में क्या गुजरी है। वो बिचारी दीवानी हुई पड़ी है और उधर रघुनाथ महाराज रामकली पे ताव खाए बैठे हैं, जबकि उस बिचारी के रत्ती भर दोष नहीं। मैं अभी जाकर रघुनाथ महाराज का मन साफ करता हूँ और फिर सिपाही लाकर तुम्हारी इस लाडले की तबीयत साफ करता हूँ। अजी, हमारी तबीयत अभी काफी साफ नहीं हुई है क्या? बहुत साफ हो गई गंगाराम जी। ये लीजिए आप अपनी चिट्ठियां। ठहरिए महाराज। माँ, ये दूध का लोटा भी इन्हीं को पिला दो, पूरा ही पिला दो ना जी। अरे भाई, थोड़ी सी पिलाओ, थोड़ी सी। जा जा, चलो चलो। अरे वाह दोस्त, तुम ही मिले हैं। नमस्त किसी को भी है तो पितर ना बोल सकते हैं। सही पानी पी लो न। क्या भाई? अरे क्यों लोग उल्लू बनाते? चल चल, कागज के फूल बेचते हो हैं? यहाँ बड़ा बिके। चल चल। अबे किस्मत लाई रंग नए, सुर छूटे और गीत गए। बीच भंवर तूने छोड़ा, भरे प्रेम में मुंह मोड़ा। प्यार पे ऐसा वार किया, उफ जीना दुश्वार किया। अब शराब ने साथ दिया तो तुझ बिन जीना सीख लिया। मैंने बिना सीख लिया,
मैंने बिना सीख लिया। लोग कहें क्यों लोग कहें क्यों पीते हो, मन कहता क्यों जीते हो, जीने की कोई चाह नहीं, मरने की कोई राह नहीं, जीवन ही जब रोग यहाँ, बोलो इसकी दवा कहाँ, प्यार के जाम न बीते हम, खोकर होश न पाते गम, हमने मंजिल ढूंढी थी लेकिन किस्मत रूठी थी, राह में साथी राह में साथी छूट गया, ठेस लगी दिल टूट गया, अब तो इसी नशे के धागों से दिल सीना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया, अरे पाप कहो या पुण्य कहो, मैंने बिना सीख लिया, मैंने बिना सीख लिया। बड़े दुखी मालूम होते हैं, कौन हैं आप? क्या करोगी पूछ के बहन, हम वहां हैं जहां से अपनी खबर नहीं आती। कहिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या मुंह लग रहे हो जुम्मन मियां, क्या खा खा मुंह देखता, निकाल इस मुंह का झाड़ मार के। यार जाने भी दो जुम्मन मियां, हमें क्यों सताते हो किसी शरीफ आदमी को? मां जा जा, मैं जानता हूँ बड़े शरीफ बनकर आए, सबको जानता हूँ। तुम कर रहे हो बदतमीज, नाम आपको जंगली कहीं का पता नहीं कहा चले आती। किशन, किशन कौन है? ये क्या हुआ तुम्हें? कौन है तुम? मैं रामकली, किशन। रामकली? हाँ हाँ, चलो चलो यहाँ से। रामी, रामी, अरे तू रामी इतने दिनों से कहाँ थी? रामी, रामी, किशन, रामी मैं तेरे चरणों में मरना चाहता हूँ। किशन, क्या है? किशन, चलो घर चलो, रुक, क्या कहेगा? क्या कौन लेके जाएगा? कमाल कमाल है, घर में इतनी अच्छी बीवी और पी करके यही मरते हैं देखो। किशन, 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 उठो किशन। उठो, सवेरा हो गया। मेरी जिंदगी में कभी सवेरा नहीं हो सकता। रमी, कल रात जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नशा किया था इसलिए ना? क्या आप बताऊं, खुले बाजार में जहर न मिल सका इसलिए शराब पी ली थी। कुछ फायदा उठाया नशा करके? कहां, जो बात दिल से लगी हुई थी उसने नशे में भी पीछा न छोड़ा। रामी तुम क्या जानो मुझ पे क्या गुजरी है? मैं सब जानती हूँ,
लेकिन पोस्टमैन पिताजी का खत। रामी बिटिया प्रणाम। तुम्हारा पिता तुम्हें आशीर्वाद लिखने के बजाय प्रणाम लिखता है। अब तुम्हें प्रणाम लिखना ही ठीक है। गंगाराम जी की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो। दुनिया वाले जो ये सोचते हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियों में हमेशा बुरा ही रिश्ता हो सकता है, उनको तुम दोनों ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन खुशी के साथ एक दुख भी है कि गोपी अपने सुध-बुध गवा बैठी है। मैं जानता हूँ उसका तन बीमार नहीं, मन बीमार है, और दुनिया में उसका एक ही इलाज है, वो है किशन की शहनाई। किशन की शहनाई वो अब कभी नहीं गूंजेगी। रानी, किशन की शहनाई गोपी के प्रेम से शुरू हुई थी और गोपी की शादी पर खत्म हो गई। तो क्या गोपी किशन की शहनाई की आवाज कभी ना सुन सकेगी? नहीं, किशन शहनाई तुम्हारी थी, उसमें आवाज गोपी की थी, सुर तुम्हारे थे, गीत गोपी के थे, लेकिन वो सुर खत्म हो चुके हैं। मैंने कसम खाई है मैं जिंदगी में शहनाई फिर कभी नहीं बजाऊंगा। तुम्हारी शहनाई में गोपी के गीत गूंजते थे, उसकी इजाजत के बगैर तुम कसम नहीं खा सकते किशन, कसम नहीं खा सकते। मुझे मजबूर ना करो रामी, मुझे मजबूर ना करो। मैंने शहनाई तोड़ दी है, उसके साथ मैं अच्छे से किशन तुम्हें शहनाई और दिल दोनों के टुकड़े फिर से जोड़ने होंगे, वरना दुनिया इल्जाम देगी कि जिस किशन ने गोपी के प्रेम को अमर बनाया था उसी ने गोपी का गला घोट दिया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बोलो बजाओगे ना शहनाई? बोलो बजाओगे ना शहनाई? तो क्या तुम्हारा प्रेम स्वार्थी था? क्या तुम चाहते हो कि गोपी मर जाए? क्या तुम गोपी की लाश अपनी आंखों के सामने देखो? रामी, मैं गोपी की जिंदगी चाहता हूं। रामी, मैं शहनाई बजाऊंगा, जरूर बजाऊंगा, और मेरे टूटे हुए दिल से जो शहनाई गूंजेगी वो गोपी की लाश में भी प्राण फूंक देगी। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। कौन है भाई? अरे मैं हूँ बेटा। ओ चाचा। हाँ कहो, कैसे हो? अरे कैसे क्या, तो गांव की खबर तो सुनाओ ना। खबर नहीं बेटा, खत है। खत? अरे खत की बात मत करना, खत ने तो पहले ही तबीयत साफ कर दी है। तो लो खबर सुनो। हा? वो किशनवा शहनाई वाला है ना? हाँ, मर गया क्या? नहीं बेटा, मर नहीं गया, वो आ रहा है। लो खत ने तो कुछ तबीयत साफ की थी, तुम्हारी खबर ने पूरी साफ कर दी है। भगवान, मैंने आज तक जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना मांगने आया हूं कि मेरी इस शहनाई को सुरों का ऐसा दान दे दे जिससे मेरा प्रेम अमर हो जाए, गोपी की जिंदगी बच जाए। भगवान, उसके बाद तो मेरे सुर छीन लेना, मेरी शहनाई छीन लेना, चाहे तो मेरे प्राण छीन लेना, बस मेरे प्रेम की लाज रख लो प्रभु। गंगाराम जी, मुझे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई बीमारी ही समझ में नहीं आती, अब तो इसकी जीवन डोर भगवान के ही हाथ में। अच्छा मैं चलता हूं। गोपी, दीदी, अब रोने से क्या फायदा, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत से इलाज किए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया,
पर अपनी किस्मत ही फूटी है, क्या करें। पढ़ने दूंगा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। गोपी देखो किशन आया है। किशन आया है? हाँ, अब क्यों आया है किशन? बेटी तू तो उसके लिए दीवानी बनी फिरती थी। मामा मैं तो जब तक जीऊंगी दीवानी ही बनी रहूंगी। किशन की शहनाई सुन के ही तुझे होश आया, अब बड़ी धूमधाम से तेरा किशन से ब्याह रचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है गंगाराम जी। बेटी मामा मेरा ब्याह तो हो चुका है। किशन किशन तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा न कर सकी फिर तुम यहां क्यों आए किशन? आना तो नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी हालत सुनकर रुक न सका। दिल ने कहा किशन ये तेरी शहनाई फिर किस दिन काम आएगी? मेरी किस्मत में इस कला का सीखना शायद इसी दिन के लिए लिखा था गोपी। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा शहनाई नवाज बन गया हूं, और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं गोपी, कुछ नहीं।
तो सिर्फ मौत का इंतजार है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो किशन। देखो मेरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, किशन मेरे हाथ में सुहाग की चुड़ी है। अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं अपने धर्म, रीत, संसार सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं अपने धर्म से गिर जाऊंगी किशन। ऐसा ना कहो गोपी, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हें बेहोशी की नींद से उठाने के लिए आया हूं गोपी, गिराने के लिए नहीं। मैं तुम्हारे फर्ज के सामने दीवार बनने के लिए नहीं आया। तुम अपना धर्म निभाओ, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। गोपी, गोपी, तुम्हारा और किशन का मिलाप अब भी हो सकता है। तुम्हारी मांग का सिंदूर झूठा है, तुम्हारे फेरे भी बेहोशी में हुए थे गोपी। रामी, तुम ये क्यों भूलती हो? जब ये दूसरी लगन मंडप में पांव रखती है तो उसका जीवन पराया हो जाता है। रामी, गोपी, असली शादी दो दिलों का मिलाप होता है, हम अपना कसूर मानते हैं। लेकिन उनका क्या कसूर, जिन्होंने अग्नि और ब्राह्मण के सामने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे ससुराल ले चलो मामा, कहीं मेरे पैर न डगमगा जाए, कहीं मैं अपना फर्ज से न गिर जाऊं, कहीं स्त्री जाति के माथे पर कलंक का धब्बा न लग जाए। मुझे ससुराल ले चलो मामा, मुझे ससुराल ले चलो मामा। बेटी, लखनऊ आ गया। नमस्ते गंगाराम जी। शेखर, गोपी, शेखर बाबू आए हैं। सो रही गोपी,
कुली गोपी गोप तो शरीर ठंडा होगी गोपी 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 गंगाराम जी गंगाराम जी ये क्या हो गया एकाएक होना क्या था शेखर आत्मा जिसकी थी उससे जा मिली ये शरीर जिससे आपकी शादी हुई थी आप तक पहुंच गई इस तरह गोपी की आत्मा किशन की आत्मा से उस पार जा मिली और इस पार ये राम गली रोज सुबह शाम इन दो प्रेमियों की समाधि पर दिया जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं दो दिलों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करके राम कली ने प्यार और मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल हमारे सामने रखी 20 साल गुजर गए मगर अभी तक किशन की शहनाई गोपी का प्रेम और राम कली की कुर्बानी कोई नहीं भूल सका ना कोई भूल सकेगा सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है